मॉर्निंग लवली पीपल, कैसे हो आप लोग। और आज हमारे साथ है ओला S1 Pro। तो भाई आज हम इसका करने वाले हैं रिव्यू वीडियो, ठीक है। तो देख लो भाई, ये है ओला S1 Pro, ठीक है। ये भाई देखो, भाई देखो क्या है ना, ओला मार्केट में बहुत ज़्यादा लाइक इसने धूम मचा दिया है। जब से ओला आई है भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ना एक क्रेज़ी अलग हो गया। क्योंकि भाई देखो, एक तो इसकी प्रेजेंस देखो, रोड प्रेजेंस गाड़ी की बहुत ज़्यादा प्यारी आती है, ठीक है। और लिखने में भी बहुत स्वीट सी, बहुत प्यारी सी लगती है। जो अपने ओल्ड एज लोग हैं, जो अपने नॉर्मल सिटीज़न हैं, सिविलियन हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यारी गाड़ी लगती है यार, सच में। और कहीं ना कहीं बात सही भी है कि जो अपनी व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उन्हें और प्रमोट भी करना चाहिए। क्योंकि यार देखो, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमें भी उसके साथ साथ आगे बढ़ना ही चाहिए भाई। बहुत प्यारी सी डिस्प्ले भी आती है, ठीक है। और भाई इसमें सारे फीचर्स आते हैं दुनिया भर के, ठीक है। डबल इंडो, इसमें पार्किंग लाइट आती है, हिल होल्ड असिस्ट आता है, हाइपर मोड आता है, स्पोर्ट्स मोड आता है, इको मोड आता है, बहुत तरह तरह के मोड्स हैं। और भाई ये लाइट्स देख लो भाई, लाइट का सेटअप, इसमें बढ़िया सा प्रोजेक्टर लैम्प है और बहुत ज़्यादा प्यारा है इसका कलर, सच में। तो कहीं ना कहीं भाई ये मार्केट में धमाल करने के ऊपर इसके बहुत सारे रीजंस हैं। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये जो आपको सिंगल सॉकर दिख रहा है, अब जो अब अगर आप शोरूम पर जाओगे तो इसे चेंज करवा सकते हो, ठीक है। जितने भी ओला वाले लोग हैं भाई, चेंज करवा लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये चीज़ ना कहीं उतना रिलायबल नहीं है सिंगल सॉकर वाला। अब डबल सॉकर में आ गई है, तो भाई जाओ चेंज करा के आओ अपना, ठीक है। तो गाइस, इसमें आता है डबल डिस्क, आगे डिस्क, पीछे डिस्क, ठीक है। यहाँ पर ये आगे भी डिस्क प्लेट आती है प्रॉपर, ठीक है भाई। तो बढ़िया है भाई। और आप अब इसकी एक बार सिनेमेटिक्स में चेक करिए इसकी प्रेजेंस। पीपल, अब हम आपको इसका बूट खोल के दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेशियस है। तो कुशाग यहाँ पे हमारी हेल्प करेगा। तो भाई देखो, ये है इसकी पूरी बूट, और भाई ये है इसका चार्जर। तो देख लो यार, ये चार्जर यहाँ पर फिट हो जाता है पीछे, ये यहाँ पर फिट हो जाता है प्रॉपर, ठीक है। इसे कुछ नहीं करना, बस प्लग एंड प्ले है। इसे ऐसे लगाओ और अपने वहाँ पर लगा दो किसी भी सॉकेट में। बढ़िया चीज़ है भाई। तो बूट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। यह आप अपने घर पे रखोगे तो काफ़ी है, लेकिन जिनकी ये गाड़ी है तो वो काफ़ी दूर से आए हैं, तो अभी ये साथ में लेके चल रहे हैं। काफ़ी अच्छी बात है, सही है भाई, कि कहीं भी अगर आपको जाना हो तो बूट काफ़ी बड़ा है, तो चार्जर लेकर भी चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ओला बहुत मार्केट में धूम मचा रही है, और आप लोग भी इसे ले सकते हो, और ईवीस का मार्केट को प्रमोट करो, ज़रूर करो भाई काफ़ी, क्योंकि वर्थ इट है। हाँ तो भाई, जो ओला S1 Pro का Gen 1 है, उसकी टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है 116, और जो अब आ रही है Gen 2, उसकी स्पीड कंपनी क्लेम करती है 120 किलोमीटर पर आवर। तो भाई काफ़ी वो भी अच्छी बात है। और ये अलग पर चार्ज पे कितना चलती है, तो गाइस पहले क्लेम करती थी कंपनी 180 किलोमीटर पर चार्ज, और अब करती है 195 कुछ किलोमीटर पर चार्ज। तो यार ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि 200 किलोमीटर चल रही है अपनी एक चार्ज पर गाड़ी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ये भी। तो भाई अब हम आपको चला के दिखाते हैं कि ओला S1 Pro कैसी चलती है। तो गाइस चलते हैं। देखो अभी लगी है जो नॉर्मल मोड में, तो नॉर्मल मोड में क्या होता है ना कि ज़्यादा मतलब स्पीड भी नहीं होती है, ठीक है, और एवरेज भी ठीक ठाक आता है, ठीक है। हम लोग अब चल रहे हैं। अब इसका क्या है ना कि अगर इसका पिकअप देखो, अभी इतने के इतने पे है जे, देखो इतना है, मतलब ठीक है, बुरा भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, अच्छा है,
तो देखो भाई ये है अभी नॉर्मल में और 65 की स्पीड में चलती है नॉर्मल में, ठीक है। तो ये भी ठीक है यार, नॉर्मल के हिसाब से काफ़ी है देखो, है ना। अब हम इसे करते हैं स्पोर्ट्स मोड पर, है ना। हमने लगा दिया स्पोर्ट्स मोड, तो देखो भाई अभी है 20 की स्पीड, 20-23 जे मैं देखो भाई। तो भाई देखा आपने कितना लाइक पिकअप में डिफरेंस आ गया नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड से। अब हम इसे लगाते हैं हाइपर मोड में, ठीक है। ये देखो भाई, अब भाई ध्यान से देखना, आप पकड़ के बैठना कुछ आगे, ठीक है, ध्यान से देखना। ये चल रही, ये भाई हाइपर मोड भाई, लिटरली इसका बहुत ज़्यादा तगड़ा है भाई। 70-75 कब पहुंच जाती लिटरली पता भी नहीं लगता हाइपर मोड में, है ना भाई। काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ है ये। इसका मोड्स ऐसे नहीं है कि मतलब काम दिखते ना हो, दिखते हैं भाई प्रॉपर काम करते हुए। देखना ये है 23 पे, ठीक है जे। तो हम इसे लगा देते हैं अपने नॉर्मल मोड पर और ईको मोड पे। तो अब लग चुके हैं ईको मोड पे। तो ईको मोड पे क्या होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा 46-45 के आसपास चलती है गाड़ी आपकी। और जिनकी ये गाड़ी है वो घुड़सराय से झांसी आए हैं, तो उनकी घुड़सराय से झांसी नियरली 90 किलोमीटर्स के आसपास है। और भाई उसके बाद भी उनने थोड़ी झांसी में भी गाड़ी चलाई है, तो भाई इट्स गुड भाई, सही है भाई अपनी ओला S1 Pro। हाँ तो भाई अभी हमारी ये जा रही है ओला, एक हमारे सामने जा रही है ओला S1। तो भाई सही है भाई, काफ़ी ज़्यादा लाइक लोग बार लेते हैं ओला को, और करना भी चाहिए भाई, प्लीज़ को आगे बढ़ाओ भाई। हाँ तो लवली पीपल, कैसे लगी आपको ओला S1 Pro? तो गाइस प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी। और यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।